इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चंदन सिंह से जानेंगे कि हाजीपुर में जो पार्टी का स्थापना दिवस समारोह हुआ था और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के तरफ से जो स्थापना दिवस समारोह हुआ था उसमें किसकी कितनी ताकत देखने को मिली और उनकी जो सांसद हैं वीणा देवी वैशाली की उन पर क्या स्टैंड है उनकी पार्टी का, दोनों चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चंदन जी, सबसे जी पहले तो ये बताइए कि आपने जो स्थापना दिवस समारोह किया है हाजीपुर में, आपने ताकत दिखाई, आप कहाँ पा रहे हैं अपने आप को? चूंकि एक तरफ बापू सभागार में भी चिराग पासवान ने भी स्थापना दिवस समारोह मनाया था, वहां जितनी भीड़ थी, और आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, कहाँ कितना आंकड़ा है? देखिए, ये 24वां स्थापना दिवस था और ये अपने आप में अभूतपूर्व था, क्योंकि हाजीपुर में हमारे नेता ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो स्थापना वो किए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, देश उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है और देश के दूसरे अंबेडकर भी कहे जाते हैं, तो जी वो हाजीपुर को अपने माँ का दर्जा देते थे और कर्मभूमि उनकी रही है। तो हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी आम सहमति सबकी हुई और हाजीपुर में एक ऐतिहासिक स्थापना दिवस को मनाया गया। हजारों हजार का हुजूम लगातार आता रहा। और देखिए, हाजीपुर एक सिर्फ लोकसभा क्षेत्र नहीं है, हाजीपुर वो संकेत देती है कि दलितों का अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा बिहार की राजनीति में है तो वो आज के समय में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। और चिराग पासवान की भी सभा को हमने देखा है, ऊपरी तल्ला पे जो जो कुर्सियां थी वो लगातार खाली दिख रही थी और चिराग पासवान का वही पुराना राग, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, ये किया गया। एक सांसद महोदया हैं जो उनकी बगल में बैठी हुई थी, आपको याद होगा पूर्व में भी आपसे बात हुई थी, जी हमने कहा था कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र जो है, जो कहा जाता है कि लोकतंत्र की जननी है, वहां पर जिस तरीके से जनता का उपेक्षा किया गया उस तरीके से हमको नहीं लगता है कि बिहार के 40ों सीट में कहीं की उपेक्षा की गई हो। और लगातार इनका जो है कंप्लेन मिल रहा था, तो अब हम लोग इस पर काफी गंभीरता पूर्वक विचार किए और आज से 6 महीना पहले जी आदरणीय बीना जी को स्पष्ट कर दिया गया था कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से अब आपको हम लोग चुनाव लड़ाने में असमर्थ हैं, पार्टी नए विकल्प पर विचार करेगी और आप अपना जो है कि आप अगर दूसरी पार्टी में जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, पार्टी इसके लिए आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। पार्टी ये आपको आश्वस्त करती है कि पार्टी आपको दल विरोधी गतिविधि अधिनियम के तहत आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो 6 महीने पहले ये डिस्कशन हो चुका था। 6 महीना पहले ही आदरणीय बीना देवी जी को स्पष्ट कर दिया गया था, क्योंकि अच्छा देखिए जनता का जो मूड था वैशाली में इनके खिलाफ था और आदरणीय बीना जी भी जान रही हैं कि जनता से वो जुड़ी हुई नहीं थी, कटी हुई तो थी। 6 महीने जब अंदर खाने आपने मैसेज दे दिया था, तो 6 महीने तक डिफेंड क्यों किया वीणा देवी के स्टेप को? आप नहीं लोग हमेशा देखिए, बचाव तब करते तक हैं, देखिए दिखाते रहे कि देखिए हमारी साथ हैं वो। देखिए जब तक वो किसी दूसरे दल में स्पष्ट रूप से नहीं चली गई, तब तब तक हम लोग अपने तरफ से कोई भी बयान देने से हम लोग बचते रहे, क्योंकि हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया था उनको कि आप भाई, आप अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन वहां से नहीं, जो है हम कि इसको ऐसे क्यों नहीं ले कि आप अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने सांसदों को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो इधर उधर ताक झाक कर रहे हैं, चूंकि आपको वो सीट नहीं मिलने जा रही है, इस नहीं, तरीके से देखिए तो लिया जा सकता है ना? देखिए आशुतोष जी, जब आप किसी भी नेता को स्पष्ट कर दिया जाएगा जो वर्तमान में सांसद हो कि भाई आपकी कार्यशैली जो है वह एक नेता वाली नहीं है, आप अगर क्षेत्र में आप जाएंगी, जनता से जुड़ी हुई रहेंगी तो आपका जो है कंप्लेन नहीं आएगा। और भी सांसद हैं, और भी सांसद हैं, नवादा से चंदन सिंह जी हैं, समस्तीपुर से प्रिंस राज जी हैं, हाजीपुर से हमारे सांसद हैं, कहाँ किसी नेता का कोई कंप्लेन पहुंचता है? क्योंकि जनता का काम अगर आप नहीं कीजिएगा तो जनता तो पहुंचेगी, क्योंकि उसी पार्टी ऑफिस में हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने इनको सिंबल दिया था। तो
तो जिस विचार से दिया था वो विचारधारा पे कहीं ना कहीं आदरणीय बीना जी सही नहीं उतरी, तो इनको स्पष्ट हम लोग ने कर दिया था, और तब तक हम लोग इन पर कोई बयान नहीं दिया जब तक ये स्पष्ट नहीं कर दी। अच्छा मुझे ये अब बताइए बताइए, कि ये बोल रही हैं, इनका जी बयान आया है कि हम गलतफहमी में सिग्नेचर कर दिए थे, आपने जी सुना होगा, तब जी बताइए कि आदरणीय बीना जी क्या दूध पीती बच्ची हैं कि उनको कोई भी हाथ पकड़कर साइन करा लेगा? वो पढ़ी लिखी महिला हैं और इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है। चिराग पासवान में वो अपना आस्था अब इधर रख रही है 4.5 साल। आप 19 से अगर देखिए तो 4.5 साल वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ रही है। अभी वो भगवान बदल ली, तो अच्छा देखिए मुझे ये जरूरी बताइए, नहीं ठीक है है, आशुतोष जी हाँ कि हाँ राजनीति में आप हो, सक्रिय राजनीति में हो, और चुनाव लड़ना ही मेन मकसद है। अच्छा हम लोग एक का एक मेन सांसद मकसद को है तो कि जी गरीब वंचित दलित समाज के जो लोग हैं, जो पिछले पायदान पर हैं, उनकी मदद करना है। चूंकि स्वर्गीय रामविलास जी पासवान जी यही कहते थे कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। चलिए ठीक है। आपने वीणा देवी जी को पहले ही 6 महीना पहले ही स्पष्ट कर दिया था आपकी पार्टी ने या पशुपति पारस जी ने। मुझे बताइए कि अभी भी 3 सांसद और बचे हैं पशुपति पारस जी के अलावा, इन तीनों में से और किन किन को ये स्पष्ट कर दिया है कि आप जिधर जा सकते हैं जाना चाहें तो? चंदन नहीं, अब बाकी तो हमारे जो है कि एकदम रत्न है, सिंह जी हैं, महबूब अली चंदन कैसर हैं, प्रिंस चंदन राज जी हैं। का, चंदन जी का आशुतोष जी, अगर सोशल मीडिया आप अकाउंट अगर उनका देखिएगा तो हर दूसरे तीसरे दिन वो अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं। वह चाहे छठ में हो या किसी म, 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 आपदा में हो या किसी भी तरीके का आयोजन है, वो लगातार अपने क्षेत्र में अद्वितीय काम कर रहे हैं। प्रिंस जी का भी वही है, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी तो लगातार अपने क्षेत्र में रचे बसे रहते हैं। और इसका 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 एक साक्ष्य है कि कल जब हम लोग ने हाजीपुर में यह कार्यक्रम किया तो एक अपार जनसमूह, जन सैलाब के रूप में जो हम लोग को देखने के लिए मिला, वो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित कर देता है। क्योंकि पहली बार जब पार्टी का गठन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ था, एक वो भीड़ और कल की भीड़ जिस तरीके से थी, ये अभूतपूर्व है। और इसके लिए तो हाजीपुर को जितना हम लोग नमन करें वह कम है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी की जननी हाजीपुर है। नहीं, बीजेपी ने देख लिया भीड़, आप लोगों की ताकत का अंदाजा हो गया बीजेपी को, दिखाने देखिए भारतीय जनता में पार्टी, कामयाब रहे हैं आप लोग। नहीं, दिखाना किसको है, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हम गठबंधन में हैं, मंत्रिमंडल में हैं, हमको किसको दिखाना है? और भारतीय जनता पार्टी तो सूर्य के समान है, अब सूर्य को हम लोग दिया दिखाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग का सोच भी नहीं है। चूंकि हमारे स्वर्गीय संस्थापक को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग को देनी है, तो हम लोग यही चूंकि ग्राउंड स्तर यही पर आरोप काम करते हैं। चिराग अब देखिए पासवान या उनकी चिराग पार्टी की तरफ से पासवान, भी लगाया जाता है कि 4.5 साल तक आपने सुन कोई लीजिए, कार्यक्रम नहीं चिराग किया और अंतिम पासवान समय का में कार्यक्रम मंच, कर रहे हैं। चिराग बोलिए पासवान के मंच पर आगे वाली कुर्सी जो जिसने 1 लाख रुपया दिया उसको मिला, उससे पीछे वाली कुर्सी जिसने 75 हजार रुपया दिया उसको मिला, उसके पीछे वाली कुर्सी जिसने 35 हजार रुपया दिया उसको मिला। कार्यकर्ता तो खड़े थे, कार्यकर्ता तो खड़े थे जो पार्टी के लिए लड़मड़ रहे हैं, और जो धन कुबेर हैं, जो गिट्टी बालू और ये सब चुराने वाले और जेबी जी और सहारा का पैसा लूटने वाले लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो हम लोग क्या कहें, हम लोग तो आश्चर्यचकित हैं। चूंकि चिराग जी जिस तरीके से धन के तरफ आकर्षित होते हैं आप और लोग ऐसा नहीं करते कार्यकर्ताओं की हैं, उपेक्षा करते हैं, आप लोग ऐसा नहीं ये करते तो हैं। उनका बुद्धि बता रहा है कि कितना वो पॉलिटिकल है। अच्छा जी आपकी पार्टी ऐसा नहीं करती है, आपकी पार्टी को हमारे ऐसा नहीं पार्टी लेती है, में तो, चंदा नहीं हमारे लेती है। पार्टी में तो एक अदना सा कार्यकर्ता भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ पकड़ के जहां चाहे वहां बैठा सकता है। और हमारे नेता इतने मृदुभाषी हैं और इतना सरल व्यक्ति हैं कि वो किसी कार्यकर्ता और किसी एमपी में कोई फर्क नहीं महसूस करते हैं, वो सबके लिए उपलब्ध हैं। आप भी जाइएगा तो आपको बैठे हुए मिलेंगे बरामदा में। आइए आइए आशुतोष जी, आइए नहीं बैठिए। ठीक है, तो मृदुभाषी आप है चिराग लेकिन पासवान से मिल लेकिन लीजिएगा क्या, एज ए प्रवक्ता? अगर आप माइक लेके ना जाइए
तो आप चिराग पासवान से 9 दिया तेल जल जाएगा आपको मिलने में, लेकिन जाइए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास, देखिए किस तरीके से आप कोई पत्रकार नहीं भी हो तब भी आपकी मुलाकात हो जाएगी, जबकि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, 35वें देश के सबसे सुरक्षा घेरा में रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इस तरीके से उनका सरल स्वभाव है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आप अच्छा, सोचिए, सरल स्वभाव वाले ये कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमें हाजीपुर से लड़ने से नहीं रोक सकती है, क्यों ना कहें, ये परिचायक है सरल स्वभाव नहीं का। नहीं क्यों नहीं कह, क्यों नहीं कहें, क्यों नहीं कहें, जब अलौली ये से, किसको कह रहे हैं वो, कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक नहीं नहीं सकती, जब मुझे अलौली पूछो। से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर आए तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को वो सीट दिए, हाजीपुर में आके अपना उत्तराधिकारी बनाए, और उसके बाद जब वो राज्यसभा के लिए नामित हुए तो अपना उत्तराधिकारी बना के इनको लोकसभा भेजने का काम किए। अब 77 से ये सेवा हाजीपुर की कर रहे हैं, और जब इन्होंने कह दिया है कि भाई हम जब तक जीवित रहेंगे इंडिया में रहेंगे, और जब तक राजनीति करते रहेंगे तब तक हाजीपुर की सेवा करते रहेंगे, तो अच्छा, इसमें नवंबर इसमें महीना क्यों, बीत गया है, अब क्या लगता है कब तक आप लोगों को फाइनल किया जाएगा कि कौन कौन सी सीट आपकी, कौन कौन सी सीट चिराग जी की? जी देखिए 3 तारीख को 5 राज्यों का चुनाव का नतीजा आ जाएगा आशुतोष जी, जी और जनवरी के आप 2 हफ्ता छोड़, जनवरी में ही आपको लोकसभा का सत्र स्टार्ट हो जाएगा। सत्र तकरीबन मान के चलिए 21 को खत्म होगा, 21-22 को खत्म होगा, तो आप मान के चलिए कि चूड़ा दही खाने के बाद जी यानी 14 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी घटक दल बैठेंगे, और बिहार के 40 सीट पर किस तरीके से हम लोग को जीत मिले इसके लिए हम लोग का मंथन हो जाएगा, और कौन सीट कहां से कौन लड़ेगा ये भी फाइनल हो जाएगा। अच्छा, अब तो आपका दावा कम हो गया होगा ना, चूंकि सांसद भी एक कम हो गई है, तो अब तो 4 ही सीट पर आप लोग दावा कीजिएगा ना। देखिए लोग, हमने तो स्पष्ट आपसे कहा अभी पहले ही कि हम लोग स्पष्ट कर चुके थे कि वीणा देवी जी को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, तो सीटिंग पे गेटिंग होता है और प्रत्याशी तो बदले जाते हैं, ये पूर्व में भी कई पार्टियों में हुआ है आशुतोष जी, ये तो आप इतिहास प्रत्याशी देख लीजिएगा। प्रत्याशी मिल गए हैं आपको, हाँ प्रत्याशी? प्रत्याशी हमारे पास रेडी हैं, अच्छा, कुछ नाम का खुलासा कर पाइएगा। नहीं, नाम समय आने पर, वो समय आने पर हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा, अभी तो बहुत प्रत्याशी लोग दौड़ भी रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी हमारा लगभग फाइनल है, और अंतिम मोहर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लगाएंगे, और हम लोग अपना 6 सीट पे हमारा दावा है, 6 सीट और एक राज्यसभा का, तो समय आने पर वो हमारे गठबंधन के जो अभी सीट बड़े मिली दल नहीं, हैं, आपने प्रत्याशी भी फाइनल कर लिया? हमारा देखिए हमारे हर जगह फाइनल है, हमारा हाजीपुर से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, नवादा से चंदन जी हैं, समस्तीपुर से प्रिंस राज जी हैं, वैशाली से जो आपको बता रहे हैं कि उनका भी नाम फाइनल है, अब वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देंगे तब खगड़िया से हम उस पर, महबूब अली हाँ कैसर भी फाइनल है? अच्छा, हाँ हाँ उठे भी मंच पर मौजूद थे, मंच पर मौजूद थे आदरणीय महबूब अली कैसर जी, मंच पर मौजूद थे, वैशाली से जो प्रत्याशी हमारे हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नाम की घोषणा कर देंगे तो मीडिया में हम इसकी चर्चा करेंगे, बहस कर लेंगे, उन्होंने विचार चिराग करेंगे। पासवान से मुलाकात की थी, उन्होंने भी उसको आप उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जैसे नहीं वीणा नहीं देवी देखिए, को। नहीं देखिए कि आप, हम अगर किसी काम से अगर किसी से मिल रहे हैं, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी विरोधी गतिविधि हो जाती है, और जब भी ऐसे ऐसी मुलाकात होती है तो पूर्व में ही पार्टी को सूचित कर दिया जाता है। एक आप सुन सांसद लीजिए, के आप सुन पास लीजिए क्या पूरा ऐसा बात, काम रहेगा जो पहले केंद्रीय पूरा मंत्री बात, से नहीं हो सकता है? पूरा जी बात आप सुन लिया कीजिए आशुतोष जी, जी बिल्कुल। आदरणीय महबूब अली कैसर ने जब चिराग पासवान से मुलाकात की थी उसके पूर्व में ही वो सूचना आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को दे दी गई थी, ठीक है, तो ये जी स्पष्ट आप रहिए कि बताकर मिला गया है। देखिए जब छिप कर लोग मिलते हैं ना तो वो तस्वीर है वो वायरल नहीं होती है, आप समझिए, और जो वायरल होती है वो कहीं ना कहीं बताया हुआ होता है, सब समझ बूझ कर कोई काम होगा। अब आप कहिए कि ईद का सेवैया खाए चिराग जी गए थे, अब ये सब देखिए जो पर्व और त्योहार होता है वो दल के बंधन से और इस सब से अलग होता है। चलिए चंदन जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।